बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हार्टमैन ओवरब्रिज पर किप्स बाइक शोरूम के मैनेजर से हुई 1,10,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आपको बता दें कि बीते 15 अक्टूबर को बारादरी थाना क्षेत्र के दुर्गानगर निवासी हीरो बाइक एजेंसी में मैनेजर दीपक जोशी रात करीब 7 बजे अपने साथी विजय के साथ एजेंसी के 1,10,000 रुपए लेकर मेन ब्रांच में जमा करने के लिए निकले थे। इस दौरान बाइक को लहराते हुए 2 आरोपियों ने उनकी बाइक को रोक दी, जबकि पीछे से आए दूसरी बाइक सवारों ने उनका बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर आज सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के पीछे पानी की टंकी के पास से 4 आरोपी अभिषेक गंगवार, प्रशांत शर्मा, अभिषेक कुमार राघव और सचिन पुंडीर को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट के 34,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल 2 बाइकें भी बरामद कर ली गई हैं। जबकि लूट का एक आरोपी मोहित यादव अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक, राघव का सचिन व मेरा भाई है। इस मामले में प्रेमनगर इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि 4 आरोपियों ने कर्ज होने की वजह से इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से मुख्य आरोपी अभिषेक राघव ने लूट की पूरी योजना बनाई थी, क्योंकि वो 3 साल पहले बाइक एजेंसी पर नौकरी करता था और उसे कैश की पूरी जानकारी थी, जिसके बाद उसने अपने ममेरे भाई और 3 दोस्तों को अपने साथ शामिल कर लिया और लूट के बाद 5 आरोपियों ने 21,000 रुपए आपस में बांट लिए, जिसके बाद सभी आरोपियों ने पहले अपने अपने हिस्से के रुपयों से मंदिर और भंडारे में दान दिया, साथ ही रामगंगा पर बंदरों को चने खिलाए और उसके बाद सभी ने जमकर दारू पार्टी की। फिलहाल अब 5 में से 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि 5वें की तलाश जारी है। सर कुछ मजबूरी आती है इसके चक्कर में, घरों को नहीं चाहता कि अपने आप में कोई जुर्म करे या कोई चोरी करे, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा ऐसा, किसी के साथ बहुत सारी मजबूरी आ जाती है जिसके कारण गलत कदम उठाने में मजबूर हो जाते हैं, वो मैंने किया। इसके बाद ना तो कभी इससे पहले कभी किया था ना करूंगा। तो लोन ले रखा क्या था? बिल्कुल सर, कितना लोन था? फाइनेंशियल मेरे पास बाइक चल रही थी, लोन की बाकी ऑनलाइन क्रेडिट भी वगैरह जो होते हैं उनसे ले रखा था, उन्होंने सारा पे किया है। ठीक है, इसमें इससे पहले मैंने कोई जुर्म किया था, मैं उससे बात करूंगा। जॉब कर रहे थे, जॉब में पूरा काम नहीं हो पा रहा था? जॉब कर रहा था, जॉब में नहीं हो पा रहा था। मैं सर सर कितना रुपया खर्च कर दिया किसमें से? जो आपने सुना था बिल्कुल सारा हो गया सर। बंदूक को भी मैं दान वगैरह किया था सर, वो सबने मिलकर किया था। मैंने कहा नहीं, 153 का प्रसाद लिया, बंदरों को डाल दिया सर, 500 रुपए दिए सर। कहाँ पे? भंडार होता वहाँ दे दिया। ऐसी भी कुछ चीज बनाई थी क्या, कहीं दान किया तो कोई माइंड में? सर कोई माइंड में नहीं था, बस ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में, बंदू फेड़े थे लेके दान और जो चावल चने बने होते डाल दिया। कुछ पैसे का क्या करा? जो लूट का पैसा सर, लूट का पैसा था आपस में बांट लिया, जिसकी जो जरूरत थी उसने अपनी पूरी की, जिसके पास जो कर्जा था कर्जा दिया। पार्टी भी करी थी जी? बिल्कुल करी थी सर। पैसा बरामद भी हुआ है उसके? जो बरामद हुआ हमने मामले पे प्रेशर डाला गया, उसके बाद हमने ला के कहीं से भी दिया हमने। अच्छा, जो जिसने लूट की घटना का नाम दिया, प्लान बनाया था, तो ये आपका कौन लगता है? सर मेरा कजन भाई। क्या आपको बताया था किस तरह से? ऐसा कुछ नहीं बताया, हम बस ऐसे साथ साथ में बैठे हुए थे। आपको बुलाया नहीं? आप हमने घूमने आया था, बुलाया नहीं स्पेशली, इसलिए नहीं बुलाया। अच्छा, बुलाया था? मैं घूमने आया था जी। फिर बैठे बैठे प्लान बन गया, ऐसे वहाँ से पैसे लेके जाते देख लेते हैं क्या है, गए स्थान पे जाके लगा मौका मिल गया कर दिया। 2-2.5 लाख रुपए का लोन है। किस तरह से प्लानिंग बनी सर? अचानक बना था, क्योंकि जो लोन लेने वाले थे वो बोले थे हम गेट पर आएंगे, गाली रुकेंगे, जलील करेंगे, तो मेंटल प्रेशर बन गया था। ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, अचानक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुई। कर दी किस किस को साथ में लिया आपने? भाई को लिया था, दोस्तों को लिया था। कहाँ के रहने वाले लोग? सर सब अलग अलग एरिया के। क्या प्लानिंग बनाई साथ में? प्लानिंग क्या सर, अचानक आए हम लोग एक जगह पर बैठे, डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर पर आएंगे गाली बकेंगे, उससे बेहतर है कुछ ना कुछ तो करें। उसका रिजल्ट ये मिला। आप क्या उस दुकान में काम करते थे? जी पहले करते थे, 3 साल पहले। 3 साल पहले? किस तरह से आप क्या काम करते थे? बिलिंग, किस तरह से आपका प्लान था? सर प्लान नहीं था सर, सडनली हम बैठे अचानक कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस ये करते। जानकारी कैसे दी आपको? जानकारी क्या सर, जब काम करा है मैंने 1 साल तो कुछ तो पता है कि क्या एक्टिविटीज है। जो पैसा लेके जा रहा था पहचान नहीं आया सर? मैं नहीं था। क्राइम की दुनिया में कदम रखा है तुमने पहली बार, तो कैसा लगा था और अब क्या अपनी गलती सर बैक कर लिया? अब इसके बाद कुछ नहीं, क्राइम की दुनिया में रखा गया, वापस आ गया बस, खत्म। देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र के हार्टमैन पुल पर दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को एक सेल्समैन के साथ एक घटना हुई थी, जो कि किप्स ऑटो सर्विस हार्टमैन पुल नैनीताल रोड पर जिनकी दुकान है उनके साथ घटना हुई थी। बाइक पर ये 2 लोग जा रहे थे, सेल्समैन और उनके यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति। तो सेल्समैन के गले में एक काले कलर का बैग लटका हुआ था, जिसमें 1,10,000 रुपये थे। तो 2 बाइक
एक पल्सर और एक स्प्लेंडर काले कलर की। इन दोनों पर दो दो युवक थे जिन्होंने ये घटना कारित की। बैग ये छीन कर भागे और एक लाख, जिस बैग में 1,10,000 रुपये, शोरूम की चाबियाँ व वर्कशॉप की चाबियाँ थी। इस घटना के लिए टीम बनाई गई, SOG सर्विलेंस और थाने की टीम इसमें बनाई गई। सभी ने काफ़ी मेहनत की और जो भी हार्टमैन पुल की तरफ जाने वाले और आने वाले कैमरे थे उनको देखा गया। कुदेशा फाटक, बाकरगंज, आसपास के 4-5 किलोमीटर क्षेत्र के सभी कैमरों को देखा गया, तो उससे घटना का खुलासा हुआ। और घटना में जो कारित करने वाले थे, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 5वां अभियुक्त अभी वांछित चल रहा है। इस घटना में जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक अभियुक्त है अभिषेक कुमार, जो 3 वर्ष पूर्व इसी किप्स एजेंसी पर नौकरी करता था और उसी ने अपने बाकी चार दोस्तों के साथ मिलकर लूट की ये योजना बनाई थी। इन जो गिरफ्तार किए हुए 4 अभियुक्त हैं, उन 4 अभियुक्तों से लूटे गए 34,000 रुपये और लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, 1 पल्सर और 1 काले कलर की स्प्लेंडर बरामद की गई है। और इन सभी व्यक्तियों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, सभी का ये पहला लूट का अपराध था और इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 5वें व्यक्ति जो अभियुक्त है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूछताछ में ये जानकारी मिली कि जो अभिषेक कुमार है 3 वर्ष पूर्व किप्स एजेंसी पर काम करता था और जो बाकी 4 व्यक्ति हैं इनके ऊपर भी लोन का कुछ कर्जा था, जिसको ये शॉर्टकट के तौर पर घटना प्रयुक्त करके अपराध करके ये जो संपत्ति अर्जित करना चाह रहे थे और उसी से ये अपने कर्जे वर्जे और जो बाकी शौक पूरे करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने लगभग 21,000 इक्वली अपने आपस में बांट लिए 5 व्यक्तियों ने और इनमें से 34,000 रुपये की बरामदगी अभी तक हो पाई है।